फ्रेंड्स, फाइनली जो आपका इंतजार था वो जल्दी खत्म होने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस 49,568 भर्ती से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें, कुछ अहम बातें जो कि आपके फाइनल कटअप से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स चलो, फाइनल कटअप के बारे में हम बात ही कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि इसमें देखो आपके लिए हमने स्पेशली जो भी डाटा है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। क्योंकि देखो फ्रेंड, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो और आप सुबह से सुनते आ रहे हो कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है कल यानी कि 2 मार्च सोमवार को जो है दोपहर के बाद जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। और देखो ये मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मतलब बहुत दिनों से वेट कर रहे थे ना कि फाइनल रिजल्ट कब आएगा। और देखो मतलब जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जैसे हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, ठीक है, मतलब जितने भी न्यूज़पेपर वाले हैं उन्होंने जो है आज आर्टिकल के माध्यम से ये सूचित किया है कि कल आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा दोपहर के बाद ही क्या आप मतलब रात को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो वेट तो आप भी कर रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन जैसे ही आपने सुबह से सुना है ना, तो फ्रेंड्स आप बहुत डर रहे हो कि क्या पता हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या हम फाइनल कटअप से बाहर होंगे, क्या कितना मेरिट इंक्रीज होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप कि बहुत सारे ये कमेंट्स आ रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए स्पेशली आपके लिए एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करी जाए, ताकि आप परेशान अभी से ना हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स तो अभी से प्रेशर में है कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हमको सिलेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना मेहनत करके मतलब यहाँ तक पहुँचा है, अब इसके आगे मान लो अब दुख होता है जिसका भी सिलेक्शन ना हो। आई होप, आई प्रे कि आप सभी का सिलेक्शन हो, ठीक है, और होगा भी, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है। और क्यों होगा हम इस वीडियो में बात करेंगे वही, ठीक है, वीडियो बनाने का मकसद मेरा वही है। जैसे कि फ्रेंड्स अभी देख सकते हो आपका आपने तो पहले ये जान लिया कि आपका जो रिजल्ट है वो आर्टिकल के माध्यम से, जो आर्टिकल आज जो है प्रसारित हुई उसके माध्यम से कल बताई जा रही है कि आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहे हैं कि इसमें जो सिलेक्शन होगा वो किन स्टूडेंट्स का होगा, कितना मेरिट इंक्रीज होगा, क्या गर्ल्स की कटअप बढ़ेगी, और मतलब जनरल एससी एसटी ओबीसी, ठीक है। और देख सकते हो हम इसमें सारी जो भी डाटा है हम आपको सेपरेटली प्रोवाइड करेंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और रही देखो सबसे पहले अगर हम बात करें गर्ल्स की, गर्ल्स के भी बहुत सारे ये कमेंट्स आ रहे थे कि क्या गर्ल्स की जो भी मतलब फाइनल कट ऑफ है, ठीक है, वो बढ़ेगी। तो देखो गर्ल्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो देखो फर्स्ट लिस्ट वाली जो गर्ल्स हैं, ठीक है, वो बिल्कुल पूरी तरह से सेफ हैं, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो या फिर एसटी हो। क्योंकि देखो जब सेकेंड लिस्ट आई थी गर्ल्स की तो उसमें ये मतलब ओबीसी एससी एसटी जनरल कैटेगरी के भी गर्ल्स जो भी हैं उनको बुलाया गया था। तो ये आप अभी आप मान के चलो कि गर्ल्स सेफ है, वो चाहे फर्स्ट लिस्ट की हो या फिर सेकेंड लिस्ट की। क्योंकि देखो अगर हम डीबीपीएसटी प्लस रनिंग के आंकड़े निकाले तो सीटें अभी भी गर्ल्स की खाली जा रही थी, लेकिन देखो ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से कोई भी ऐसी लिस्ट नहीं आई है। लेकिन अभी आप ये मान के चलो कि गर्ल्स की जो सीटें हैं वो खाली हैं और आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो बढ़ने के कोई भी चांसेस नहीं बन रहे हैं, ठीक है, वो तो आपको कल देखने को मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, हम आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहते, ठीक है फ्रेंड्स। और देखो बात करते हैं हम वही बॉयज की, तो हम आपको सिंपली समझा दे देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट सबसे पहले आप देख सकते हो फर्स्ट लिस्ट ये आपकी बुलाई गई थी पीईटी के लिए, जिसमें फर्स्ट लिस्ट में 30,402 स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। सेकेंड लिस्ट आई थी उसके बाद से आपका मतलब ये पूरा जो भी कैलकुलेशन है ये मेल कैंडिडेट के लिए है, और जो एक सर्विसमैन है, होमगार्ड है, वो पूरी तरह से सेफ है और आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है। और जो अदर स्टेट वाले हैं, ठीक है, हम उनके बारे में भी बात करेंगे, आप बस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए।
तो जैसे कि फ्रेंड्स देख सकते हो, ये आपकी पीएटी यानी कि दौड़ के लिए बुलाए गए स्टूडेंट्स हैं, जो कि पहली बार 30,000 प्लस, सेकेंड बारी 28,000 प्लस एंड थर्ड लिस्ट जो आई थी उसमें 3,000 प्लस जो है बुलाए गए थे स्टूडेंट्स। उसके बाद से आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अभी देखो स्क्रीन पर एक्स्ट्रा, जैसे कि बहुत बार नोटिस आया जिसको लेकर बहुत चर्चा भी हुई कि ये नोटिस कैसा है, क्या भर्ती बोर्ड इसमें घोटाला कर रहा है, मतलब ऐसा बहुत सारी खबरें उठी भी जिसमें 31 स्टूडेंट्स को 87, 17, 135, 644, 141, 56, 4, 6 स्टूडेंट्स के ऐसे नोटिस जारी करे जा रहे थे और बुलाए जा रहे थे। सबसे पहले एक नोटिस आया, इसके बाद जो है इन ये मतलब पीटी होने के बाद एक नोटिस आया जिसमें 4,000 जो है प्लस स्टूडेंट्स को बुलाया गया। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें जो है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को बुलाया गया था। मतलब कि कहने का मतलब यही है कि ये जो लिस्ट आई थी उन कैंडिडेट की थी जो अब्सेंट थे, ठीक है। और आप जितना भी मतलब इधर भी देखो तो ज़्यादातर इसमें अब्सेंट वाले ही हैं, क्योंकि दौड़ में जो स्टूडेंट्स नहीं पहुँचे या कोई भी कारण हो सकता है, आप देख ही रहे होंगे कि दौड़ में मतलब कितना ठंड भी था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लीकेशन भी लिख कर दिया होगा तो उनको दोबारा बुलाया गया, ठीक है। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनका जो है जेंडर मैच नहीं हुआ, थंब मैच नहीं हुआ, उनका बायोमेट्रिक सही से नहीं हो पाया तो फिर से उनको दोबारा बुलाया गया। तो ये सारे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आप मान के चलो अगर आप इन सबको ऐड कर दो, ठीक है, आप यहाँ से इन सबको ऐड करोगे तो देख सकते हो फ्रेंड्स, आप ऐड करोगे, ये तो एब्सेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है। अगर आप ऐड करोगे तो लगभग पीईटी के लिए 63,000 प्लस स्टूडेंट्स को बुलाया गया, ठीक है। ये ओनली मेल के लिए है और 63,000 प्लस स्टूडेंट्स को बुलाया गया, तो आपको पता होगा लगभग लड़के जो है वो अपना दौड़ क्वालिफाई कर रहे थे, कहीं कहीं सेंटर तो 90% लड़के जो है क्वालिफाई कर रहे थे, कहीं कहीं जो है मतलब अब उसके हिसाब से अगर हम एवरेज की बात करें तो लगभग जो है जैसे कि 85 से 90% तो 100% जो है दौड़ कंप्लीट कर रहे थे, है ना, आपने खुद देखा होगा। अब देखो जब अगर आप 85% अगर औसतन एवरेज मान के चलो कि 85% जब पीईटी में क्वालिफाई किए हैं तो देखो हम यहाँ आपको जो भी चीज़ें होंगी वो मैक्सिमम बताएंगे, ना कि मिनिमम, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी फिकर नहीं करना है, मैक्सिमम बताएंगे और यहाँ से आपका एक भी नंबर प्लस नहीं होगा, यहाँ से आपको माइनस ही देखने के लिए मिलेगा और ये आपके लिए ही बेटर होगा, ठीक है। तो जैसे ही अगर आप इसमें इनटू करके डिवाइड करोगे तो लगभग आपके 53,000 स्टूडेंट जो है पास हुए हैं और आपकी सीटें कितनी है तो 43,000 प्लस जो है आपकी सीटें हैं, 43,000 सीटें, ठीक है। और जिसमें से 6,000 जो है 6,200 प्लस जो है गर्ल्स की सीटें हैं और 43,000 प्लस जो है वो बॉयज़ की सीटें। तो लगभग आप मान के चल सकते हो कि 50,000 से ऊपर स्टूडेंट जो है पीईटी में क्वालिफाई हो गए हैं, जो कि फाइनल कट ऑफ इनके ही ऊपर लगने वाली है। अब देखो अगर हम इसमें से माइनस करें आपकी सीटें कितनी है तो 43,200 आपकी कुल सीटें हैं और 53,000 स्टूडेंट्स पीटी में क्वालिफाई हुए हैं, तो लगभग 10,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको फाइट करना पड़ेगा, है ना, ये आप सिंपली देख सकते हैं। अब देखो अब आपके मन में ये चल रहा होगा नहीं ऐसा नहीं होगा, 10,000 स्टूडेंट्स नहीं होंगे, इससे कम होंगे, जी हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और हम चाहते भी हैं कि कम हो। तो फ्रेंड जैसे कि अभी देखो अगर हम मैक्सिमम, ये आपका जो भी है डाटा मैक्सिमम है ना कि मिनिमम, ठीक है। और देखो 10,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फाइट करेंगे और बॉयज़ के जो मेरिट है वो इंक्रीज होंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ आपको मैं बता दूँ, जो भी पिछली भर्तियाँ हैं ना इसी की वजह से अभी भी कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है। कारण क्या है, कारण यही है कि जो मेडिकल से पहले आपकी मेरिट लगाई जाती है और स्टूडेंट्स को बाहर कर दिया जाता है कुछ पॉइंट की वजह से, देन मेडिकल में बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर होते हैं और उनकी सीटें खाली जाती है। आपको पता होगा मेडिकल में उतने ही स्टूडेंट्स बुलाए जाते हैं जितने की सीटें होती हैं, और इस बारी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर यही लिखा गया है जो नोटिस आई थी, ठीक है,
कि इसमें हम मेडिकल के लिए इतने ही स्टूडेंट्स बुलाएंगे जितने की हमारी सीटें हैं। लेकिन 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 भर्ती बोर्ड देखो इस बार जो है ये गलती बिल्कुल नहीं करना चाहेगी कि स्टूडेंट्स को कम बुलाए। हो सकता है कि ये सबको इन सबको बुला लिया जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखो भर्ती बोर्ड का तो अभी तक यही नियम है कि मतलब पहले मेरिट लगाकर स्टूडेंट्स को बाहर कर देते हैं, देन मेडिकल में जो भी सीटें खाली रह जाती हैं तो स्टूडेंट्स इसको लेकर रिट डालते हैं और फिर केस लड़ते हैं, उसके बाद से जो भी सीटें हैं वो भरी जाती है, प्रक्रिया जो भी प्रोसेस है वो पूरी की जाती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम बता दें आपको, आपको पता होना चाहिए एसएससी जीडी में बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्वालिफाई किए हैं, जो कि यूपी पुलिस में भर्ती में भी जो है उन्होंने क्वालिफाई किया है, प्लस उनका डीबी पीएचडी प्लस पीईटी भी कंप्लीट हो गया है ना। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है, अब मान लो कोई एसएससी जीडी को छोड़कर यूपी पुलिस में तो आएगा ही नहीं, आप खुद सोचो। और मेरे इस चैनल पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट्स आए हैं कि मैम कौन सा बेस्ट है हम एसएससी जीडी ज्वाइन करें, क्योंकि वो मेडिकल में क्वालिफाई हो गए हैं और कह रहे हैं कि वो फाइनल मेरिट में भी क्वालिफाई कर लेंगे, तो वो कौन सा जॉब करें, कौन सा बेस्ट रहेंगे। तो हम आपको यहाँ सजेस्ट करेंगे कि अगर आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो रहा है तो आप एसएससी जीडी में चले जाओ, है ना। और एसएससी जीडी में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि यूपी पुलिस में भी सेलेक्ट है, तो हो सकता है कि उनकी भी सीटें जो है वो खाली रह जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बारी मौका मिल सकता है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और मान लो अगर आपकी कट ऑफ भी लगाई जाएगी तो कितनी लगाई जाएगी आपको ये भी हम बता देते हैं। चलिए फ्रेंड्स लेट्स सी। तो फ्रेंड्स जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये आपका ऑफिशियली कट ऑफ जो कि स्टूडेंट्स को पास किया गया था, 1,23,921 स्टूडेंट्स को, जिसमें मेल एंड फीमेल आप दोनों थे, ठीक है। और जनरल ओबीसी एससी एसटी का ये जो भी फाइनल कट ऑफ है वो लगाया गया था, प्लस गर्ल्स की जो भी कट ऑफ है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाई ही नहीं गई थी, ठीक है। तो मतलब ये तो आप ऑफिशियल कट ऑफ की बात हो गई। अब चलो हम बात कर लेते हैं जो भी आपका, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फाइनल कट ऑफ जो है आपका विथ नॉर्मलाइजेशन, अगर स्टूडेंट्स बाहर होते हैं तो आपकी फाइनल कट ऑफ क्या लगेगी, है ना। तो देख सकते हो अगर आपको पीएससी पोस्ट चाहिए, पीएससी पोस्ट चाहिए तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो 185 जनरल का गया था। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो फ्रेंड्स मैक्सिमम आपके एक नंबर इंक्रीज होंगे पीएससी पोस्ट के लिए। आई होप कि आपका जो भी है पॉइंट में जाए, लेकिन हम मैक्सिमम बात कर रहे हैं तो एक नंबर तो इंक्रीज होगा ही। लेकिन फ्रेंड्स ये पॉइंट में भी जा सकते हैं, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करना है। अगर आपके मार्क्स आप सोच रहे हो कि आप जनरल कैटेगरी से हो और मेरा तो 186 ही बन रहा है विथ नॉर्मलाइजेशन, तो क्या हम पीएससी पोस्ट के लिए भी हकदार नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, देखते हैं कट ऑफ, क्योंकि ये फ्रेंड्स ये मैक्सिमम है और आपको कल ही पता चल जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आप ओबीसी एससी एसटी जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम आपको ज़्यादा जो है और नहीं बताएंगे, वीडियो ये जो है और भी लॉन्ग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो अभी वीडियो को पॉज करिए, आप देख सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें सिविल पोस्ट के लिए, तो फ्रेंड्स अगर आपको सिविल पोस्ट चाहिए तो देख सकते हो अगर आपके 193 से 195 मार्क्स हैं तो आप कुछ सिविल पोस्ट अवश्य ही मिलेगा। और रही अदर स्टेट वाले फ्रेंड्स, क्योंकि उनके कमेंट्स आ रहे थे कि अदर स्टेट वालों का क्या, तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता होगा कि जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट होते हैं उनका जो कोटा होता है वो जनरल कोटा से भी अधिक लगता है, है ना। क्योंकि देखो उनके बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमको तो जनरल में ही काउंट किया जाता है ना। नहीं फ्रेंड्स, आपको अलग से जनरल कोटा लगाया जाता है जो भी अदर स्टेट वाले होते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना है, ज़्यादा नंबर इंक्रीज नहीं होगा इस बारी, क्योंकि देखो अभी बहुत सारी भर्ती प्रक्रिया अभी बाकी है, तो आप बिल्कुल भी आपको फिक्र नहीं करना है, ठीक है। और फ्रेंड्स बस मुझे आपसे भी कोई यही इन्फॉर्मेशन देना था। और देखो बस आप कल तक देखते हैं क्या होता है, बस आप वेट करो और बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, धैर्य बनाओ रखो, धैर्य बनाए रखो। ये नहीं कि आप खुद मतलब जो है परेशान हो जाओ और कुछ, तो फ्रेंड्स आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपका सिलेक्शन होगा 100% होगा, क्यों नहीं होगा, आपने इतना मेहनत किया है 100% होगा। तो फ्रेंड्स बस अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यूपी पुलिस से रिलेटेड कोई भी छोटी हो या फिर बड़ी खबर आती है तो सबसे पहले हम इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।